समय हम जनपद पीलीभीत के विकास भवन गेट के बाहर खड़े हैं। यहाँ भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस बड़ी तादाद में जनपद से किसान विकास भवन में पहुंचे हुए हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं किसानों की क्या मांगे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन से गुरदीप सिंह गोगी, टिकैत ग्रुप से युवा जिलाध्यक्ष पीलीभीत। हमारी मुख्य मांगे विकास भवन में इसलिए आए हैं क्योंकि विकास भवन में ही जिले का विकास होना है और जो जिले का विकास कार्य है वो यहाँ बैठता है, एक भी योजना किसान तक नहीं पहुँचा पाता। इन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं, दलालों के थ्रू योजनाएं पहुँचाते हैं और पैसा इकट्ठा करके जेब में डालते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कमरे नहीं मिलते हैं या गरीब लोग हैं जिनकी पेंशन महिला है, उन्हें पेंशन नहीं मिल पाती, तो इस तरीके के मुद्दे हैं। दूसरा मुद्दा हमारा पीलीभीत जिले के PWD के लिए है, जो हमारा माधव टांडा मार्ग 15 दिन से बंद पड़ा है, उसका आवागमन अभी तक नहीं हो पाया, तो इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। तीसरा, कुल कितनी मांगे हैं आपकी? हमारी करीब 17 मांगे हैं। तो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है? नहीं, एक दिवसीय नहीं है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आज हम बैठ भी सकते हैं, जब मांगी जाएंगी तब जाके हम यहाँ से उठेंगे। तो किसी अफसर से बात हुई अभी नहीं? अभी किसी अफसर से बात नहीं है, LIO से बात हुई है तो हमने बता दिया है अपनी मांगे से। आज धरने पर बैठे किसानों का साफ कहना है कि अभी वह अफसरों से बातचीत करेंगे, इसके बाद ही वो धरने समाप्त करने की ओर निर्णय ले सकेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में माधोटांडा पीलीभीत मार्ग की मरम्मत का धीमा होना और जंगली जानवरों से नुकसान के अलावा विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार का मेन मांग है। अमर उजाला के लिए फखरुल इस्लाम की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।